एक जाई 1 लाख रुपया तेन का है, तू 10 रुपया 15 रुपया टिकट ना ले सकती। कोई भी फ्री नहीं है, केवल उसका शीश महल बन गया, यही प्रोग्रेस है। केजरीवाल की एजुकेशन है का 18 साल तक कमी की लड़की ने अलग दारू के ठेका पिंके ठेका खुलवा दे। केजरीवाल पढ़ो लिखो और का तरह से भ्रष्टाचार होते है वो जानते है। अन्ना हजारे को ये भी नहीं पता था कि मेरे पीछे गद्दार खड़ा है। शीला दीक्षित जेल जावेगी, सोनिया गांधी जेल जावेगी, ईडी क्यों ना बुला रही, सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी बहुत भ्रष्ट है। तो जी राजनीति को कानने में केजरीवाल। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी पांचजन के डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल के 3 दिग्गज नेता इस समय शराब नीति घोटाले को लेकर जेल में बंद हैं। वहीं लगातार अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल डर के मारे ईडी के आगे पेश होने को तैयार नहीं है। आइए इसी पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है जो अरविंद केजरीवाल ईडी से भागते फिर रहे हैं। देखिए, वो अगर बेकसूर है तो उनको डर किस बात का, क्यों बार बार छुप रहे हैं, बार बार संबंध आ रहा है उनके पास में, क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं। अरे न्याय प्रणाली का उनको इज्जत करना चाहिए, वो जाएं, अगर उनको अगर बेकसूर है तो उनको ईडी सीबीआई थोड़ी कोई जो है जेल में बंद कर देगा। बेकसूर है जाकर के बोले, सामना करें उनका, और जो है उसके बाद में अपना पेश करें कि हाँ भाई मैं बेकसूर हूँ, तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, छोड़ देंगे अगला उनको। तो बार बार छिप रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, टाउन टून करके ले जाए उनको, और उसके बाद में जो पहले जो उनको उठा करके ले गया था एक बार, तो टाउन टून के ले गया था तो पूरा समाज जो उनको सिंपैथी दिया था तो उससे जीत गए थे। तो वही दोबारा चाह रहे हैं क्या कि दोबारा इनको ईडी और सीबीआई उठा के टाउन टून के ले जाए और मैंने दिल्ली वाला उनको सिंपैथी से फिर वापस जिता दे। ये मैंने दोहरा गेम खेल रहे हैं क्या, हो ऐसा करना बंद करें। पब्लिक उनको जान चुका है, आज सारा जो दिल्ली जो है नाला जो है ना कन्वर्ट हो गया है, सारा वायु प्रदूषित हो गया है, पूरा जमुना नदी जो है पूरा एकदम नाला में कन्वर्ट हो गया, एक जगह स्थिर हो गया। कोई भी नदी जो है या नाला जो है ना प्रवाहित रहती है, बहती हुई रहती है ना, तो गंदगी साफ होती है, वो एक जगह स्थिर हो गया है, इस वजह से पूरा दिल्ली जो है ना गैस चैम्बर बन गया है। देखो, 13 से पहले को आंदोलन करो तुम्हारा रामलीला मैदान में, एक फाइल में इतने कागज रखे के तो शीला दीक्षित जेल जावेगी, सोनिया गांधी जेल जावेगी, ईडी क्यों ना बुला रही, सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी बहुत भ्रष्ट है, सोनिया गांधी पीछे सरकार चला रही है। नेक दिनों बाद में फिर गुआ के 28 विधायक आए गए केजरीवाल के, तो गुआ में का नाम है गोई के संग जाकर सरकार बना ली कांग्रेस के। तो जी राजनीति को कानने में केजरीवाल तो का है, कानने में केजरीवाल, केजरीवाल पढ़ो लिखो और का तरह से भ्रष्टाचार होते है वो जानते है, वो भ्रष्टाचार करे वो जानते है। लालू भ्रष्टाचार में यूँ फसको कहा नहीं, गाड़ी ने नंबर नहीं जगह पे स्कूटर ने नंबर लिखवा दे जी, पढ़ो लिखो जी का कत्व है। एक एनजीओ के द्वारा ठेकेदार से पैसा न लेके जहाँ से सामान ले रहे हो माते पैसा ले रहे हो, जैसे कुर्सी है स्कूल में वो 3500 रुपया की तुम्हें कुर्सी घर के लिए मिल जा भाई, और वो स्कूल में कितने लिखा 22,000 रुपये की कुर्सी है, 27,000 रुपये की कुर्सी है, कबरा CPWD 14 लाख को 11 लाख को बना के दे रही है, लेंटर को भिदीट को पूरा मजबूत स्टेशन जमीन को, और केजरीवाल चोर का कर रहे है वो खड़े करवाओ तो पिलर, और वहाँ में जो ब्लॉक आप बताए बहुत लुके लकड़िया वगैरह के लकड़ी के बुरांदे के बने हुए होते हैं, अगर तुम इतनी मोटी सरिया में जुमात न दोगे पार है जाई गुआते बड़ी भाई बिल्डिंग है, वो आई कॉस्ट क्या 27 लाख रुपया। अब गुआते कह दे कि भाई ब्लॉक मेरे साड़ू के यहाँ तिले नहीं, मेरी साड़ू की कंपनी है यहाँ दिल्ली के पास है, हमें माते लेने ब्लॉक तक है, तुम्हें लोहे की लुआ जहाँ मिल लो है माते ज़्यादा लुआ के माँ परवे के लिए जी लगो जा जावे को जो पैसा बढ़ गए यहाँ पर जाके वह थे जी माते 3 दुकान दे दिए इनमें थे तुम लेओगे लुआ लेओगे, पेंट के लिए जी 5 दुकान तुम्हें वो कर रखी है इन्हीं पे लेगो एक दूसरे पे लेगो ठेकेदार तुम्हारे पैसा माते डायरेक्ट ले तो है। केजरीवाल केजरीवाल को जी भ्रष्टाचार और तरीका कर भी को। वही केजरीवाल आप ये कह रहे हैं कि भाजपा उनको फंसाना चाह रही है, हम ईमानदार हैं और ईमानदारी से आगे भी काम करेंगे, हम जेल हमें भाजपा इसीलिए भेजना चाह रही है जिससे हम भी भाजपा में शामिल हो, इस तरह पे दबाव बना रही है। नहीं, पहली बार जी बतानी चाहेंगे कि तू शीला दीक्षित है, कांग्रेस है, झूठे को कागज दिखा रहे हो फंसा रहे हो, अगर तू झूठे कर रहे हो तो फिर जो झूठे कर रहे भाई, अगर तू सही कह रहे हो तो जेव सही कह रहे हैं आज, और तेने भ्रष्टाचार नहीं करो तू तो झुके तो पहले इस्तीफा देना चाहेंगे, भ्रष्टाचार में अगर नाम संलिप्त हो तत्काल इस्तीफा देना चाहेंगे, क्यों तो कान नहीं में तो बुरो चरित्र है
कान ने तो सुरक्कू चलोगो तू नरक के नरक में जावेगो। जब हनुमान जी ने लात मार गई कि हत्या कर दी वह मैं भेज दो परलोक के लिए तो तू तो स्वर्ग में चलोगो पर तू नरक में जावेगो। तू जिन्हें बच्चनू एक बार कॉन्फ्रेंस में जी कही उन्नू कि हमारा दारू मंत्री जेल गए हुए कही ना दे रू क्यों ना दारू मंत्री जब कही जेल गए हुए दारू में भ्रष्टाचार करो हम जेल गए हुए पर कागे तो शिक्षा मंत्री। अरे तू की कमीन आदमी है कितना बड़ो मोह शिक्षा की आड़ ले रो है कह लोग शिक्षा दे करें और यहाँ के बच्चन की पढ़ाई की इतनी बुरी स्थिति है अगर कोई स्कूल में जाए कि बच्चे ने इंटरव्यू ले लेगा तब मालूम पड़ेगी जो मॉन्टेसरी में गाँव में पढ़ रहे होंगे कहो छप्पर में छान डाल लेते हैं हमें मॉन्टेसरी चला पाते हैं यहाँ के बच्चा तो होशियार होंगे वो बच्चा तक आए कोई बिल्डिंग बना के पढ़ाई में एजुकेशन में परिवर्तन ना हो तो एजुकेशन जमीन पर पढ़ाई जाती है जब हो तो एक लंग तू कह रहा है कि टीचर हो अगर टीचर यहाँ निरन में चक्कू मार देते हैं बच्चा पर तुम कार्रवाई ना कर सकते ही अगर टीचर ने थप्पड़ मार दो तो टीचर जेल भेजो तैयार है जी परिवर्तन हुआ यहाँ को जी पढ़ाया एजुकेशन है यहाँ की केजरीवाल की केजरीवाल की एजुकेशन है कि 18 साल तक कमी की लड़की ने ले अलग दारू के ठेका पिंक ठेका खुलवावे को दारू पीवे के लिए एक पे एक फ्री देगो दूध ही थैली चुनाई बिटवानी एक पे एक फ्री कर दे तो मार दिया जो भाई जितनी तेरी थैली बिकेंगी उन थैली ने रिकॉर्ड रख एक थैली को हम पेमेंट देंगे एक को तू तो को पैसा देगो तो एक पे एक फ्री बांट दे तो वो सामान्य आदमी पीवे तो बच्चा पीवते बच्चे जो नाय प्यारे गरीब को पीवते तेन तो दारू कौन के लें नशा आवाज नशा कर ले तो फिर वोट दे दी तू वोट मिल जाते है एक जाए 1 लाख रुपया तनख्वाह है वो 10 रुपया 15 रुपया टिकट ना ले सकती। देखो गरीब योजना तो बहुत दिन आते चल रही है पर वहाँ को मानक को निर्धारण करना चाहिए हो अब तुम कोठी में आया आवास दे दोगे तो कैसे बात बनेगी आवास तो गोइये मिलेगा या को आवास ना तू फिर लाभार्थी को क्या चयन कर रो है हरे को मम्मी पार्टी वाले दे दे यही तो है रो दिल्ली में पानी बिजली पहले जो खेतों 2013 थे पहले मैं आया तो बिजली को ऑडिट करवाऊंगा या भ्रष्टाचार हुआ है कह दो जान कितनी बार ऑडिट करवाया 9 साल में बता रहे जी सबरे चोर है तो जी डकैत है। क्या नाम है आपका? घनश्याम श्रीवास। दिल्ली सरकार के द्वारा कामों को आप किस तरह देख रहे हैं? देखो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे की जय बोले केजरीवाल उनके पीठ के पीछे खड़े होकर के उन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली। अन्ना हजारे को ये भी नहीं पता था कि मेरे पीछे गद्दार खड़ा है अगर उसको पता होता तो पीछे ढकेल देता उसको परंतु अब उसकी आड़ में उसने मतलब सपोर्ट लेकर के आज जनता के बीच में आ गया जनता ने उस पर भरोसा कर लिया जनता आज देख रही है कि ये किस तरीके का गद्दार है कि आज उसके पास शीश महल है ठीक है और जनता के पास क्या है रहने के लिए कुछ नहीं है सड़क पे घूम रहे हैं दिल्ली में कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल की कहता है ये सुविधा है वो सुविधा कोई सुविधा नहीं है बिजली कुछ फ्री नहीं है कोई भी फ्री नहीं है केवल उसका शीश महल बन गया यही प्रोग्रेस है केजरीवाल की मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है। इसलिए वहाँ देखो भारतीय जनता पार्टी को देखो राष्ट्रीय सरकार को देखो राष्ट्रीय सरकार ने घर घर आवास दिए गरीबों को जिनके पास छान छप्पड़ जो हुआ करते थे आज हम उस गली से निकलते हैं तो उसमें हर गली में मकान हुआ करते हैं ठीक है शौचालय बनवा दिए जो बाहर जाती थी लेडीज महिलाएँ शौच के लिए जाती थी आज घर के शौच में लेटरिन और बाथरूम जाती हैं है ना तो पर्दे में है आज उनकी बदौलत ये क्या है ये कुछ नहीं है मेरी नज़र से तो फैल है मेरी नज़र से तो जहाँ तक है जहाँ तक नरेंद्र जी